उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के गदरपुर में एक सर्राफा व्यापारी की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सर्राफा व्यापारी मामूली सी बात को लेकर एक दुकान स्वामी के साथ गाली गलौज और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पीड़ित दुकान स्वामी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर सर्राफा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। आप भी देखिए कि किस तरह से सर्राफा व्यापारी ने दुकान स्वामी के साथ मारपीट की। मामला उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरु नानक पुस्तक भंडार के स्वामी अभिषेक कक्कड़ द्वारा अपनी दुकान के समीप स्थित श्री गुरु ज्वेलर्स के स्वामी से दुकान का कूड़ा उनकी दुकान के सामने ना फेंकने की बात कई बार कही, लेकिन सर्राफा व्यापारी द्वारा गुरु नानक पुस्तक भंडार के स्वामी की बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसमें दुकान है गुरु ज्वेलर्स, ये अपने दुकान का कूड़ा आए दिन हमारी दुकान जाके डालते रहते हैं। इस विषय में मैंने पहले भी कई बार मना किया है, पर ये फिर भी डालते ही रहे अपने दुकान का कूड़ा। और कल भी इन्होंने सेम अपने दुकान का कूड़ा हमारी दुकान के आगे डाला हुआ था। इस विषय में जब मैं इनके दुकान पे बात करने गया, तो इनके बेटे प्रतीक वर्मा ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए मेरे पे मारपीट करनी शुरू कर दी और मुझे बुरी तरीके से घसीट के अपनी दुकान की तरफ खींचने लगा। और इस दौरान फिर मेरे दुकान के हेल्पर दीपक गुप्ता और आस पड़ोस के दुकानदारों ने आके मेरे को इनसे अलग किया, बचाया मेरे को। ये गदरपुर क्षेत्र में मुख्य मार्केट पर कूड़े को डालने से लेकर के दो लोगों पर आपस में जो है गाली गलौज हुई है, तो उस जो फुटेज है वो फुटेज के आधार पर हमने उसको चेक किया तो एक व्यक्ति जो है दूसरे लोग को जो है गाली भी कर रहा है और उसके साथ जो है हाथापाई की कोशिश कर रहा है और किया भी है उसने। इसी संबंध में तहरीर आई थाना गदरपुर में और तहरीर के आधार पर 323, 504, 506 में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। जो विवेचक को निर्देश दिए गए हैं कि CCTV फुटेजों का भी और जो है अवलोकन करें और जो है उसी के आधार पर जो भी गवाह आदि होती हैं तो उसके अनुसार जो है आगे की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।